हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान क्रिएशन। तो आज की ये वीडियो में आपको हमारा न्यू बेस दिखाएंगे। जैसा कि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि भैया न्यू बेस लीजिए, वो भी बड़ा वाला 18 इंची का। तो आज की वीडियो में आपको डबल बेस दिखाएंगे, जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगा है और बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हुए हैं। तो पूरा डिटेल में आज की वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। और आपको लास्ट में यहाँ पर साउंड टेस्टिंग करेंगे, फिर पूजा करेंगे और अच्छी तरीके से लगा के आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और हमारे चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा जो चार न्यू ड्यूअल बेस है उसको हम यहाँ पे अपने घर में से जो कि बाहर निकाल रहे हैं। और ये जो बेस है बहुत ज़्यादा ही भारी है, मतलब इसका वजन आपको बताएंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। मतलब ये खाली कैबिनेट 90 kg का है, खाली कैबिनेट, और स्पीकर डालने के बाद तो यहाँ पे 125 kg का हो जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ही भारी हो गया है अपना जो कि बेस, और इसको उठाने के लिए कम से कम 4 लोग लग रहे हैं। तो जैसा देखिए यहाँ पे, ये बेस को हमने यहाँ पे ठेले के ऊपर में रख दिया है, जिससे कि कैरी करके यहाँ पे पास में ही एक वेडिंग हॉल है, वहाँ पे ले जाएंगे, वहाँ पे हम लोग जो कि टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पे पहले बेस रखे हैं, उसके बाद में यहाँ पे अपना एम्पलीफायर रख रहे हैं। सबसे पहले तो टॉप के लिए एम्पलीफायर रखे हैं, उसके बाद में यहाँ पे बेस का जो अपना एम्पलीफायर है वो रखे हैं। और जो बेस का एम्पलीफायर है वो 2 पीस है, क्योंकि हमारा यहाँ पे 4 पीस ड्यूअल बेस है। तो एक एम्पलीफायर के ऊपर में 2 पीस चलेगा और दूसरा एम्पलीफायर के ऊपर में 2 पीस चलेगा। तो ये सारा सामान को रख के यहाँ पे वेडिंग हॉल के पास में लेके आए हैं। चलिए अब यहाँ पे सबको लाइन से सेट करते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये त्रिपाल लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मौसम है कभी कभी ख़राब हो जा रहा है, तो इसी के चलते नीचे में यहाँ पे त्रिपाल लगा दिए हैं। अब इसके बाद में इसके ऊपर में अपना जो कि जितना बेस है और टॉप है वो लगाया जाएगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपना बेस। ये देखिए, ये अंदर में आ गए हैं जो कि हॉल के अंदर में। यहाँ पर अपना जो कि सारा बेस रखा हुआ है, 4 डुअल का बेस, और इधर में टॉप है, 4 टॉप। तो अपने यहाँ पे अभी सेटअप लगेगा 4 बेस 4 टॉप का, क्योंकि टेस्टिंग करना है और बेस के बारे में भी ये वीडियो में आपको जानकारी देंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग अपना जो कि बेस सिस्टम को बाहर में लगाते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये अपना जो कि चारों बेस यहाँ पे रखा हुआ है, ये है डबल का बेस। और इसका स्पीकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको स्पीकर दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा जाली के अंदर से। ये दोनों उल्टा में स्पीकर लगा हुआ है, क्योंकि ये चारों है रिवर्स बेस, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो कि वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगा, और पंच भी आएगा थोड़ा थोड़ा, और वाइब्रेशन इसमें ज़्यादा आएगा। मतलब जो धरती हिलाने वाला जो बेस होता है वो यही वाला बेस है। और इससे आज हम यहाँ का पूरा माहौल गर्म करेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए। सबसे पहले इसके ऊपर में यहाँ पे हम लोग टॉप लगाते हैं, फिर उसके बाद में ट्विटर लगाएंगे, फिर साउंड चेक करेंगे और मशीन वगैरह में जो कनेक्शन होगा वो सब आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी देखिए यहाँ पे तीनों एम्पलीफायर को लाइन से लगा दिए हैं, SPB4 के और यहाँ पे NX Audio का MT1601 दोनों लगा दिए हैं। और पीछे में यहाँ पे जैसे देखिए सबको कनेक्शन कर दिए हैं यहाँ पे ये जैक के थ्रू, ये देखिए, और ये मिक्सर में कनेक्ट किए हैं। और अभी चलिए आपको साउंड टेस्टिंग सुनाएंगे। उससे पहले यहाँ पे देखिए ये बॉक्स के पीछे में भी यहाँ पे देखिए ये चारों टॉप को यहाँ पे 2 टॉप को एक चैनल पर डाले हैं, ये स्टेंजर 4K में, और साथ में इधर का जो 2 टॉप है यहाँ पे
इसको हमने दूसरे चैनल पर डाला है और बेस हम एक एक चला रहे हैं, मतलब एक बेस एक चैनल पर चल रहा है MT-1601 के और दूसरा बेस दूसरे चैनल पर चल रहा है। सेम दूसरा जो एम्पलीफायर है अपना जो कि MT-1601 उस पर ये नीचे का दोनों बेस चल रहा है अलग अलग चैनल पर। और ये जो साइड में ट्विटर बॉक्स है इसके लिए भी एम्पलीफायर नहीं है तो इसको भी हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड 4 में जोड़ दिया है क्योंकि इसके अंदर में यहाँ पे नेटवर्क प्लेट है तो ये कटेगा नहीं, आराम से चल जाएगा। तो चलिए अभी आपको यहाँ पे साउंड टेस्टिंग सुनाते हैं, आप लोगों को कैसा लगा साउंड टेस्टिंग मेरे को कमेंट करिएगा। तो अभी पहले तो ये मिक्सर को यहाँ से ऑन कर देते हैं, ये देखिए अपना ऑन हो गया है और ये अपना आ गया मशीन का, ये देखिए ये ऑन हो गया। और फिर यहाँ पर नीचे वाला NX ऑडियो का मशीन, ये देखिए ये दोनों को हम यहाँ पर ऑन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सब जो कि मशीन ऑन हो चुका है। चलिए अभी आपको यहाँ पे धीमी आवाज़ में यहाँ पे साउंड टेस्टिंग सुनाएंगे क्योंकि आसपास में बहुत सारा यहाँ पे जैसे देखिए ये घर है इधर बाजू में, तो धीरे धीरे अभी बजाएंगे, बाद में जब यहाँ पे रोड शो के लिए कभी डीजे लगाएंगे तब फुल साउंड में सुनाएंगे आपको। चलिए आप लोग साउंड टेस्टिंग सुनिए, हेडफोन का ज़रूर यूज़ करिएगा ताकि आपको ओरिजिनल क्वालिटी का पता चले। अभी छोटा सा ही हमने यहाँ पे साउंड टेस्टिंग किया है क्योंकि आसपास में यहाँ पे जैसे देखिए ये घर है तो इसीलिए छोटा सा यहाँ पे टेस्टिंग किए हैं। और फिर यहाँ पे कल जो कि अपना जो सेटअप जाएगा एक बुकिंग में तब आपको यहाँ पे फुल साउंड करके यहाँ पे टेस्टिंग सुनाएंगे। आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और ये वीडियो का लाइक के हम रख रहे हैं 10,000 लाइक्स, तो प्लीज़ कंप्लीट कर दीजिएगा क्योंकि ये जो आपके डिमांड पे ये वाला 4 गो बेस खरीद के लाए हैं।